नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फूलों के बगीचे में ठाकुर द्वारकाधीश ने भक्तों के साथ खेली होली। समूचे ब्रज मंडल में होली की धूम मची हुई है और ब्रज में 40 दिवसीय होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस होली का पर्व मनाने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रज में आ रहे हैं और ठाकुर जी के साथ जमकर होली खेल रहे हैं। इसी क्रम में पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में होली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ प्रतिदिन मनाया जा रहा है और इस होली महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष रंग गुलाल के साथ होली खेल रहे हैं। इसी के चलते रविवार को ठाकुर द्वारकाधीश ने बगीचा में विराजमान होकर अपने भक्तों के साथ जमकर होली खेली और इस होली उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वही ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नृत्य किया और अबीर गुलाल उड़ाया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बाहर आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वह ब्रज में आकर अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं तो उन्हें एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और उन्होंने ये भी बताया कि ब्रज जैसी होली उन्होंने कहीं नहीं देखी। श्रद्धालु होली महोत्सव को लेकर मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया है कि होली का महोत्सव ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में 40 दिवसीय मनाया जाता है और यह कार्यक्रम लगातार त्रयोदशी तक चलता रहता है। इसी क्रम में ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में त्रयोदशी के उपलक्ष्य में रविवार को 1 बजे से लेकर 2:30 तक होली का पर्व मनाया गया है और होली का कार्यक्रम मंदिर में समाप्त हो चुका है। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। दिल्ली से आए हैं लखनलाल अग्रवाल। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा होली में यहाँ आके द्वारकाधीश जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। देखिए, आज त्रयोदशी के दिन ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में बगीचे का निर्माण होता है और भावनाओं के अनुसार ठाकुर जी बगीचे विराजमान होकर होली खेलते हैं, क्योंकि पुष्टिमार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा है और बालक को हर चीज़ की अनुभूति कराना ही पुष्टिमार्ग में मुख्य उद्देश्य है। तो भावना के अनुसार एकादशी को ठाकुर जी कुंज में विराजमान होते हैं, त्रयोदशी को बगीचे में विराजमान होते हैं और अभी यह क्रम निरंतर जारी रहेगा और कल और परसों दो दिन अभी ठाकुर जी 10 से 11 बजे राजभोग में होली के रसियाओं के साथ गायन सुनेंगे और 8 मार्च को ढोल महोत्सव के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे।